मुरली अमृत की धारा है धारा, ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 3 अगस्त 2024। आज की मुरली के सार में बाबा ने सृष्टि चक्र का राज समझाते हुए कहा कि यह सृष्टि बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा अनलिमिटेड स्टेज है। तुम सब आत्माएं इसमें अपना अपना पार्ट बजाने के लिए बंधी हुई हो। इसमें हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट फिक्स है। फिर बाबा कहे, अब इस पुराने मांडवे को छोड़ वापस अपने घर जाना है, लेकिन अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती हैं, तो घर जाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। और बाबा ने कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ बताया कि पूरा पूरा सरेंडर होना है, अपना कुछ भी नहीं, तन मन धन यह देह भी अपनी नहीं। बाबा कहे, जब सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकते हैं। फिर बाबा ने कर्मातीत अवस्था की परिभाषा बताई कि सिवाय एक बाप के और कोई की याद नहीं रहेंगी तब कर्मातीत अवस्था होंगी। अगर कुछ भी अपना होगा तो वहाँ बुद्धि जरूर जाएंगी, वह याद आएगा। बाबा कहते हैं, कुछ भी याद न आए जैसे बिल्कुल ब्रह्मा बाबा के समान, जैसे ब्रह्मा बाबा बाल बच्चे मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया, बस सिर्फ बाबा की ही याद में रहे, ऐसे ब्रह्मा बाप समान बनना है। फिर कहा कि मनुष्य कहते हैं कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। बाबा कहते हैं, जब तुम बाबा के साथ योग लगाते हो, देवी गुणों की धारणा करते हो, तो माया अपनी तरफ खींचती है। यह है वास्तव में युद्ध का मैदान। बाबा कहते हैं, जब इस युद्ध में तुम पुरुषार्थ करते करते शरीर छोड़ेंगे तो यही संस्कार फिर वापस ले जाएंगे और फिर उसी आधार से फिर सतयुग में तुम प्रारब्ध पाएंगे। इसलिए कहा जाता है ना, अंत मते सौगति। फिर बाबा ने स्मृति दिलाई कि जैसे बाप प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है, प्यार से काम लेना है, क्रोध नहीं करना है। और साथ में अंडरलाइन कराया कि कोई अगर क्रोध करता है तो तुमको शांत रहना है। क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना होता है। क्रोधी के सामने गुस्सा व क्रोध नहीं करना है, नहीं तो वह भूत आप में प्रवेश कर जाएगा। फिर बाबा ने पुण्य आत्मा बनने की विधि बताई कि तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो, दुनिया में धर्मशाला स्कूल कॉलेज आदि खोलते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं, तो एक जन्म के लिए मिल जाता है। यहाँ तुम बच्चे डायरेक्ट ईश्वर अर्पणम करते हो, तो उसके रिटर्न में तुमको 21 जन्म के लिए अकी चार धन मिल जाता है, भारत सोने की चिड़िया बन जाता है। बाबा कहते हैं, वास्तव में बाबा तो दाता है, देने वाला है, इसलिए बाबा को हम 1-2 रुपया भी देते हैं तो बाबा से उसके रिटर्न में पदम मिल जाता है। सुदामा का मिसाल भी है ना, चावल मुट्ठी के बदले महल मिल गया। और साथ में कहा कि जैसे कोई बड़ा इम्तहान पास करता है तो उनकी बुद्धि में रहता है कि हम यह पास कर फिर यह बनेंगे, यह करेंगे। तो बाबा कहे, तुम बच्चों को भी खुशी और नशा रहे कि हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर साथ में कहा कि शिव बाबा तो बड़ा जबरदस्त सर्राफ है, गरीबों का ही लेंगे, साहूकारों का लेवे तो फिर इतना देना पड़ेगा, इसलिए बाबा को गरीब निवास कहा जाता है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। आज मुरली से प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े, अपना कुछ नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे तो कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते हैं वह कर्मातीत बन नहीं सकते, इसलिए बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवास। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन,
प्यार से काम लेना है, क्रोध नहीं करना है, क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। दूसरा, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया, विकारो रूपी जहरीले सांप को गले में माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूरत भावा, विकारो रूपी जहरीले सांप को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूरत भावा। स्पष्टीकरण है, यह पांच विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, यह सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं, यह आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं, यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं, तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी प्रयोगी आत्मा। आज बाबा ने तपस्वी मूरत बनने के लिए शंकर का एग्जाम्पल दिया, जो विकारों रूपी जहरीले सांप पर विजय प्राप्त कर उसको अपने गले की माला बनाने वाले। और दूसरा बाबा कहते हैं, यह सांप भी क्या बन जाए, आपके खुशी के डांस करने वाले स्टेज बन जाए, यह दोनों ही स्वरूप आपके तपस्वी स्वरूप प्रयोगी आत्मा की निशानी है। आज का स्लोगन है, जिनका स्वभाव मीठा शांत चित है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता, जिसका स्वभाव मीठा शांत चित है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलोथे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 3 अगस्त का अव्यक्त इशारा है, इशारे का लक्ष्य है विजय रतन बनना है तो सदा परमात्मा से प्रीत बुद्धि बनो। आज बाबा कहे, प्रीत बुद्धि वाले कभी श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकते, अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प वचन व कर्म होता है तो उनको प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे। तो चेक करो, हर संकल्प व वचन श्रीमत प्रमाण है, श्रीमत प्रमाण चलने वाले सदा विजय रहते हैं। कल बाबा ने विजय बनने के लिए बुद्धि की एकाग्रता एक बाबा के साथ रखने के लिए कहा, और आज बाबा ने चेकिंग करने के लिए कहा कि हमारा संकल्प, हमारा वचन, हमारा कर्म क्या श्रीमत के अनुसार चलता है। अगर श्रीमत के अनुसार है तो उनको ही प्रीत बुद्धि कहेंगे और उनकी ही सदा विजय होती है। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।